Welcome to the another lecture of animal tissue. Or in this lecture, we going to discuss about the further topic about the epithelial tissue. तो epithelial tissue को हमने classified किया on the basis of structure और function के हिसाब से. ये भी काम दो type के अलग अलग होते हैं. बात करें epithelial के first के बारे में, तो हम उसको बोल simple epithelium, मतलब जो इसका structure होगा ना बहुत simple होगा और single layer arrangement show करेगा. In this type of epithelium, single layer tissue present. And the function of this tissue was the underlying the body cavity. Body cavity के अंदर जितने भी underlining present होगा ना, जैसे blood vessels हो गए, lymphatic organs हो गए, lymphatic vessels हो गए, तो जहाँ पे जो lining की बात आएगी ना, वहाँ पे जो tissue present होता है, called the epithelial tissue. और ये duct में भी होंगे और tubes के अंदर भी होंगे. Whereas, अगर बात करें कंपाउंड epitheliums के बारे में, तो इट इज those टाइप ऑफ epithelium इन विच टू और more epithelium present together for the specific function. और एक काम क्या होगा, protections के बारे में काम होगा. मतलब कंपाउंड में क्या होगा ना, मल्टीपल epithelium अरेंज होंगे साथ में और ये आपस में जुड़े होंगे प्रोटीन से, दैट्स नोन एज डेस्मोसोम. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, राइट. और इनका जो मेनली काम होगा ना, इट्स वर्क वाज अ प्रोटेक्शन, काम जो होंगे बचाने का काम करेंगे. बात करें सिंपल epitheliums के बारे में, तो इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फर्दर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर. आकार और काम के हिसाब से, आकार और शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से ना, ये भी फर्दर दो तीन आपका फर्दर क्लासिफिकेशन फोर पार्ट में होते हैं आपके. पहला जो है उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस. सिंगल स्क्वैमस में ये समझ लीजिए कि टाइल्स की तरह जो सेल ना टाइल्स की तरह अरेंज होंगे, दैट्स नोन एज सिंपल स्क्वैमस. इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम. सेकेंड टाइप की बात करें उसको बोलते सिंपल क्यूबाइडल. क्यूबाइडल में जो सेल होंगे ना क्यूब की तरह दिखेंगे, मतलब क्यूब की तरह सारे अरेंजमेंट होंगे और सारे रेगुलर मैनेज अरेंजमेंट होंगे रेगुलर मैनेज. तीसरे की बात करें सिंपल कॉलमिनार. इसके जो सेल होंगे ना टॉल होंगे, लंबे लंबे सेल्स होंगे और ये भी रेगुलर मैनेज में अरेंज होंगे. और चौथे में बात करें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. इसमें मतलब ये नहीं हुआ कि इट इज़ अ मल्टी लेयर, इट इज़ द मीन बाय दैट कि इसमें दो टाइप के सेल होंगे, एक सेल छोटा होगा वेयर दूसरा सेल जो होगा बड़ा होगा कंपेयर टू फर्स्ट सेल. तो इसमें होगा दो टाइप के सेल एक ही लेयर में सिंगल अरेंजमेंट पाए जाते हैं और इसी को बोलते हैं सूडो आपका स्ट्रेटिफाइड. तो ये जो है ना हमने क्लासिफिकेशंस किया एपिथेलियम्स के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर में ना हम टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से. थैंक यू.